मुस्तफा कमाल खालिद मकबूल सदीकी साहब फतह का ऐलान कर रहे थे, मैं अभी वसीम परेशान था, आपने इनके कितने नताइज बताए, कौन सा कुछ 60-60 हज़ार से लीड कर रहे हैं ये? इस पाकिस्तान के वसायल इख्तियार इख्तदार में 23 करोड़ पाकिस्तानियों को शरीक करने का इंशाल्लाह ये ख्वाब अपनी ताबीर के करीब नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई से मैं कहूंगा इस हवाले से। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है और कराची के लोगों के एतमाद पर, हैदराबाद के लोगों पर के एतमाद पर, मीरपुर खास के लोगों के एतमाद पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है। और आपने हमारे कानों पर जिम्मेदारी डाली है, हम बहुत ज्यादा जुबलेंट अंदर से होने के बावजूद अब हमें कल की फिक्र है कि कल से क्या होगा। ये जो मसाइल ज़दा सिंध है, ये कराची हैदराबाद शहरी इलाके, अब कल से इसकी जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है, आपने डाल दी है, तो ये यकीनन ये अल्लाह के हुजूर सजदा जर होने का ये एक मौका है, लेकिन साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिंध के शहरी इलाके के लोगों ने एक दफा फिर MQM पाकिस्तान पर एतमाद कर हमें हम पर डाल दी है। और ये एक फिक्र वाली बात भी जी, ये मुस्तफा कमाल खालिद मकबूल सदीकी साहब फतह का ऐलान कर रहे थे, मैं अभी वसीम परेशान था, आपने इनके कितने नताइज बताए, कौन सा कुछ 60-60 हज़ार से लीड कर रहे हैं ये? हाँ, और किसी भी हल्के के भी यानी कराची के कंसोलिडेटेड रिजल्ट तो नताइज नहीं बताए, बट आपने सुना कुछ साहब ने कहा कल से कराची और हैदराबाद की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है, तो इन्होंने नताइज यानी अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं कराची और हैदराबाद की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। अरे लेकिन इन्होंने कितनी सीट्स क्लेम की हैं? ये कोई बताया इतने निश्चितों में हम आगे हैं, इतनी निश्चित इन्होंने ये कहा हर सामने की MQM अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, MQM का रिकॉर्ड तो 20 में से 17 सीटों का है, तो ये कह रहे हैं 18 थोड़ी जीत रही है MQM, ये 17-18 सीटें क्लेम कर रहे हैं, इसको यही समझे हम? इन्होंने भी कोई नंबर नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि MQM अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। 18 का अच्छा, हमने पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी। अच्छा, इंप्रूव कितना रिकॉर्ड? तो इंप्रूव तो 18 ही होगा ना, मतलब लेकिन मैं देखा था मुस्तफा साहब खुद ही, मुस्तफा कमाल खुद भी हंस रहे थे, उनको खुद यकीन नहीं आ रहा था। तो खुशी खुशी, अच्छा खुशी कैसे, एक बंदा अपनी जीत का ऐलान कर रहा है, खुशी नहीं हो रही? सिर्फ 4 सीटें रह गई, 4 सीटें मलीर की हो गई अपनी, 3 मलीर की 3 मलीर की हो गई, 1 किमाड़ी की हो गई, 1 लियारी की हो गई, वो किधर गई लियारी और किमाड़ी भी? नहीं, मलीर तो पीपल्स पार्टी में जा रहा है। पीपल्स पार्टी की बात करी ना, पीपल्स पार्टी की अगर 5 सीटें निकाल दे तो फिर तो 17 ही बचती है, फिर ये 18 कैसे क्लेम? हाँ, अभी तो जो आया आ रहे हैं उसमें केमाड़ी वाली जो पीपल्स पार्टी जीतती है वो भी नहीं जीती है अभी, कादिर पटेल साहब वाली अभी, अगेन अब बिट टू अर्ली, लेकिन अब देखें थोड़ा सा और मजीद कंसोलिडेट होता है तो। जनाब आला, टू बी फेयर फैसल वाडा की प्रेडिक्शन सही आ रही है, ही सेड के मैदान चित कर जाएंगे इंडिपेंडेंस, और PMLN को वो 55-60 पे या 40-50 पे डाल रहे थे, 60-70 पे डाल, अभी उन्होंने मैसेज आया ना कि PMLN इज डन, पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड, पाकिस्तानी अवाम ने आके आज बताया कि आप हमें डिक्टेट कोई नहीं करेगा इस मुल्क में कि किसको वोट डालना है और किस पैटर्न पे डालना है, अपनी मंशा के मुताबिक वोट डाले गए हैं, जो बेहतरीन बात है इस मुल्क के अंदर, और इसको जो ट्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं ये जिस तरफ भी अभी जाते हैं एक ही तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि इंडिपेंडेंट जो है लीड में है, बड़ी वाजे अक्सरियत में है, मगर इनको हकूमत बनाने भी दी जाए, हमें जो हीलिंग टच चाहिए, हमने जिस तरह हील करके आगे बढ़ना है, यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है कि इधर का इक्तसादी निजाम जो है वो पटरी पे चल जाए, उसके लिए पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, वो तभी आएगी जब आप अवाम का मैंडेट, अवाम का दिया हुआ वोट जो है उसको इज्जत दें, उसको तस्लीम करें।